तो पहले मेरी वीडियो का पिछली हिस्से वीडियो का टॉपिक था हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो, लेकिन अब मेरा इस वीडियो का यानी कि टॉपिक है कि हम अपनी गूगल वेबसाइट को किस तरह रैंक करा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सिंपली प्रैक्टिकल करके। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और एक बार करते हैं जस्ट रिफ्रेश और ओपन करते हैं मनी रोबोट को। मनी रोबोट ओपन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, रजिस्टर है। और ये देखें यार, जब मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो को रैंक करना सिखाया तो आप सिंपल बच्चों की तरह का टॉपिक था। आप गूगल की वीडियो को, गूगल की वीडियो नहीं सॉरी, गूगल की अपनी वेबसाइट को भी रैंक कर सकते थे। वो किस तरीके से ट्रैफिक के ऊपर आना था जस्ट, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने ये देखिए, यहाँ पे होती है यूट्यूब की वीडियो रैंक, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ न्यू कंपेन उसके अगर चलाना चाहे, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है गूगल वेबसाइट रैंक, ठीक। गूगल वेबसाइट को हम यहाँ पे रैंक करते हैं, ठीक है। इतनी देर में आई थिंक मुझे अपना यहाँ पे आना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के न्यू टैब में आना है, मुझे तो वो ही नहीं पता, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस, इसको ओपन करके देखते हैं यार, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, क्या हुआ भाई, ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा, भाई सॉरी सरकार जी। हाँ अब हो गया, तो आपने उस यूआरएल को अपना पेस्ट कर देना है, ओपन हो जा, सिम सिम हो गई, ये तो नई खुल रही है, उसी को ही ओपन कर लेते हैं यार, ऐसे मुफ्त में टाइम खोटी, आपका भी टाइम बर्बाद करूँ मैं, अपना भी करूँ, इससे अच्छा है गया सीधा उसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो गई है, ठीक है, और ये सारे व्यूज़ इसके जो है मैंने मनी रोबोट से लिए हैं, ठीक है। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी देता हूँ, ये देखें यहाँ आना है व्यू ब्लॉक के ऊपर आपने, और ये देखें इसको जस्ट आके आपने कॉपी इसको कर लिया, और यहाँ दोबारा आप आएंगे आई थिंक सो मनी रोबोट के ऊपर, और यहाँ पे अपने जो है ना, एक तो आपने यहाँ पे अपना जो आपका वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट करना है। पेस्ट करके उसको पहले आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आपको ये जितनी भी प्रोफाइल्स कह रहा हूँ, जितनी भी ये आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपने इन सब आर्टिकल्स के लिंक्स को, ठीक, आपने यहाँ पेस्ट करना है मनी रोबोट के अंदर। अगर आप इसको पेस्ट यहाँ नहीं करेंगे लिंक्स को भी, जो जो आप आर्टिकल डालते जा रहे हो, तो उस तरह ये व्यूज़ नहीं है, व्यूज़ यानी कि आपकी आर्टिकल रैंक नहीं होता। आप देख सकते हैं आप ये व्यूज़ आए हुए हैं आई थिंक सो पिछले 10 10 दिनों के अंदर, फिर उसके बाद मैंने 10 नहीं बल्कि व्यू देख लें, ये तकरीबन 10 10 दिन के अंदर ये व्यूज़ आए थे आई थिंक सो 90,000 व्यूज़ आए थे। और जब से मैंने इसको बंद किया है, अगर मैंने ओपन करता तो अब तक आई थिंक सो हो चुके होते 2 महीने पहले जैसे बंद किया था, अब तक हो चुके होते कम से कम इसके तकरीबन 3 से 4 लाख व्यूज़, 3 से 4 लाख भी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा हो गए होते। और अब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, और ये मेरा अल्लाह जानता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आप भाई उसे। ये देखें आपको मैं एक मिसाल के तौर पे आई थिंक कहाँ होती है ट्रैफिक स्टैट्स में दिखा देता हूँ। ये देखें जब से मैंने मनी रोबोट के अंदर लिंक लगाना छोड़ा है, ठीक है, व्यूज़ कितना आ रहा है डेली का, एक एक, ठीक है, एक मंथ के अंदर सिर्फ 25 व्यूज़ आ रहे हैं, जो डेली के ये सॉफ्टवेयर 5 से 6 हज़ार व्यूज़ देता है एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा भाइयों, आप मनी रोबोट को यूज़ करें, अगर आपको कोई टेंशन हो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ, बहुत टाइम खाली आप लोगों का, आप लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।